हैमर लाइफस्टाइल सीजन वन के जिस एपिसोड में अमन गुप्ता गुंडा बन गए थे, क्योंकि हम किसी को घुसने नहीं देते, क्योंकि हमें लगता है कि हर इंडस्ट्री में एक ही गुंडा हो सकता है, वहाँ का गुंडे हम हैं। सबको लग रहा था कि इस डील के बाद अमन हैमर को खा जाएगा, लेकिन शार्क टैंक के बाद हैमर की सेल को देखकर ऐसा लगता है कहीं हैमर ही बोट को टक्कर ना दे दे। शार्क टैंक के बाद हैमर ने मार्केट पूरा हिला दिया। हैमर ने अपनी वेबसाइट से सिर्फ एक दिन में 30 लाख का सेल किया। हैमर का मंथली सेल है 2 करोड़, जो शार्क टैंक से पहले सिर्फ 80 लाख था। हैमर के वेबसाइट का मंथली ट्रैफिक है 3 लाख, जो शार्क टैंक से पहले सिर्फ 50,000 था। अमन गुप्ता तो चाहते थे कि हैमर सिर्फ इलेक्ट्रिक टूथब्रश ही बेचे और हेडफोन बेचना बंद कर दे। आप टूथब्रश ले लो, सब बंद कर दो। टूथब्रश कोई कर रहा है, आप मेरे को स्मार्ट टूथब्रश का ब्रांड बताओ तो आप उसमें क्यों नहीं कर रहे। आपको क्या लगता है, अमन हैमर की हेल्प कर रहा है या कोई और बात है? कमेंट में बताओ।